नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये एलजी का टीवी है, ये डेड है, तो आज के वीडियो में मैं इसको ठीक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अभी अभी मैंने इसको खोला है और देख सकते हैं कि बहुत सारा डस्ट इसमें जो है जमा हुआ है। तो अभी मैं इसको पिक्चर ट्यूब से अलग करने वाला हूँ और पिक्चर ट्यूब से अलग करने के बाद में ये जो डस्ट है इसका सफाई करना है, और सफाई करने के बाद में देखना है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, और दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर ले, वहाँ भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों आपका समय को ख़राब न करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किट को पिक्चर ट्यूब से निकालने के बाद में इसको अच्छा तरह से मैं साफ़ कर चुका हूँ। इसमें बहुत सारा डस्ट था तो डस्ट को मैं साफ़ कर चुका हूँ, और अब मैं इसका प्रॉब्लम को फाइंड करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से इसका दिक्कत है, कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका फ्यूज जो है बिल्कुल बुरी तरह से जो है जल चुका है, और ये फ्यूज के साथ साथ में यहाँ पर एक पीएफ है जो कि देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल जल चुका है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें फ्यूज लगाने वाला हूँ और ये पीएफ जो जल चुका है इसको मैं बदल लेता हूँ, इसके बाद में देखते हैं कि आगे क्या दिक्कत है। तो ये पीएफ का नंबर जो है पता नहीं चल रहा है, तो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड से मैं ये पीएफ खोल चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें फ्यूज और पीएफ लगाने के बाद मैं इसमें लाइन देने वाला हूं, और इसमें सीरीज से लाइन देना है, और लाइन देने के पहले ये ईएसटी कैप को जो है किट से दूरी में रखना है। तो ये हमारा है सीरीज बल्ब का होल्डर, और यहाँ पे देख सकते हैं एसी का इनपुट जैक है, यहीं से एसी 220 वोल्ट इन होता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से चेक करना है, तो देख सकते हैं कि इस तरह से लगाने के बाद में जो है पूरा फुल वोल्टेज में बल्ब हमारा जल रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे भी किट में शॉर्टिंग है, अगर इस तरह हम डायरेक्ट लाइन देते हैं तो आगे और सामान खराब हो सकता है, और अगर आगे शॉर्टिंग नहीं रहता तो बल्ब हमारा जो है थोड़ा सा जल के जो है बंद हो जाता, तो बल्ब अभी जो है बंद नहीं हो रहा है, फुल वोल्टेज में जल रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ से है। तो दोस्तों आगे का शॉर्टिंग जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये जो एसटीआर है ये एसटीआर को खोल देना है, और ये एसटीआर को खोलने के बाद भी यदि यहाँ सीरीज से 220 वोल्ट एसी देने के बाद में हमारा सीरीज बल्ब जो है फुल लाइट में जलता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा शॉर्टिंग जो है ये एसटीआर का इधर से ही है। तो देखना पड़ेगा कि ये डायोड वगैरह देखना पड़ेगा, और भी जो भी पावर सप्लाई में कंपोनेंट है वो देखना पड़ेगा शॉर्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम ये एसटीआर को खोल लेते हैं, तो ये एसटीआर खोलने के लिए ये कैपेसिटर भी खोलना पड़ेगा, तभी जो है ये खुलेगा।
ये कंडेंसर को मैंने खोल लिया हूँ, और ये कंडेंसर को खोलने के बाद में ये एसटीआर को भी जो है खोल लेना है। तो ये एसटीआर को भी मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों इसका एसटीआर को खोलने के बाद में मैं दोबारा से किट में सीरीज बल्ब से लाइन देने वाला हूं, और देख लेते हैं कि लाइन देने के बाद में क्या होता है। तो देख सकते हैं कि लाइन देने के बाद में अब जो है एक बार जला था बल्ब और फिर उसे बंद हो गया, अभी नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एसटीआर का ही प्रॉब्लम था, और एसटीआर शॉर्ट होने के कारण ही जो है यहाँ पे बल्ब जो है पूरा फुल लाइट में जल रहा था। तो मैं एसटीआर अभी न्यू एसटीआर इसमें लगाने वाला हूँ, और न्यू एसटीआर लगाने के बाद में मैं दोबारा से इसमें जो है चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग और भी कहीं से है, या ये एसटीआर लगाने के बाद में हमारा किट ओके हो जाता है। तो ये एसटीआर को लगाने के बाद ये कैपेसिटर भी लगा लेते हैं। और थिनर से पेस्ट को अच्छा तरह से साफ़ कर देना है। तो दोस्तों अब मैं इसमें एसटीआर लगा चुका हूं, और ये कंडेंसर भी लगा चुका हूं, फिल्टर कंडेंसर। अब मैं इसमें बल्ब का सीरीज से मैं लाइन दे के देख रहा हूं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा चालू हो चुका है, बल्ब हमारा जल के जो बंद हो जा रहा है, और ये किट भी हल्का सा आवाज़ कर रहा है, मतलब कि इसका जो ई एस टी जो बन रहा है। अब मैं इसको जो है पिक्चर ट्यूब में लगा के चेक करने वाला हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसे तो बिना पिक्चर ट्यूब के भी कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, पर मुझे विश्वास है कि ये हो गया है। इसमें जो पावर ऑन हो रहा है उसका थोड़ा सा साउंड एस एम पी एस से आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये ऑन हो गया। बाकी पिक्चर ट्यूब में मैं लगा के देखने वाला हूँ, तो चलिए पिक्चर ट्यूब में लगा के देख लेते हैं। और दोस्तों एक बात यहाँ नोटिस करने की है कि जब भी किट में जो लाइन देंगे तो ये ई एस टी कैप को जो है किट से दूरी में ही रखना है, क्योंकि जब किट चालू होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हाई वोल्टेज जो है फ्लो होता है, जिसके कारण जो है हमारा किट से जो है शॉर्ट सर्किट करने का चांस रहता है। इसीलिए ये ई एस टी कैप को किट से दूर रखना है। तो अब मैं इसको जो है पिक्चर ट्यूब में लगा के चेक करने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किट को मैंने पिक्चर ट्यूब में मैं लगा चुका हूँ, और अब मैं इसमें लाइन देके चेक करने वाला हूँ कि इसमें लाइन देने के बाद में क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी जो ग्लो हो चुका है, और स्क्रीन पे देखते हैं लाइट आता है कि नहीं। स्क्रीन पे भी लाइट आ चुका है, देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव देना तो कमेंट करें, और दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।